सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कोरोना से राहत को लेकर टोंक के लिए दिए हैं 1,40,00,000 रुपए की राशि और टोंक की जनता से अपील की है सचिन पायलट ने कि वो अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। सचिन पायलट ने स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 1,40,00,000 की राशि देकर टोंक की मेडिकल सेवाओं के लिए एक बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है और राहत दी है। पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई हैं उसमें देखा गया कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, क्या है कि राजस्थान के उन सभी लोगों की देखरेख की वो जिम्मेदारी लें, उनके खाने पीने का इंतजाम करें हैं, उनकी मदद के लिए, उनको सहायता पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया हुआ है, एक कंट्रोल रूम हमने स्थापित किया हुआ है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम सबको पर्याप्त सहायता देने का काम कर रहे हैं। हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हम सब जितना ज्यादा सरकार की गाइडलाइंस को मानेंगे और कठोरता से उसका पालन करेंगे उतना ही ज्यादा अधिक कामयाबी हमको मिलेगी इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए। आने वाले चंद दिन बहुत चुनौतीपूर्ण है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हम सब अगर एकजुटता से काम करेंगे तो हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं। टोंक शहर के लिए और टोंक ना कि टोंक शहर के लिए बल्कि टोंक जिले के लिए जो श्रीमान उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी ने जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक जो संगठन स्तर पे भी उन्होंने हर ज़िले में एक कंट्रोल रूम बनवाया है और उस कंट्रोल रूम के माध्यम से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कंट्रोल रूम उनके निवास पे बना हुआ है वहाँ से निरंतर टोंक ज़िले में, चाहे वो टोंक शहर का हो या टोंक ग्रामीण इलाके का कहीं का भी हो, तो वो निरंतर इस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मेन पायलट साहब ने जो मेन उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो इस कोरोना महामारी जो अभी है इस वजह से जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस परेशानी की वजह से कोई भी गरीब मजदूर या बेसहारा लोग जो अभी खाद्य सामग्री लाने में असमर्थ है तो उसके घर घर तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए ताकि आने वाले टाइम में ये जब भी, चाहे वो इसका जो भी पीरियड है या जैसे ये लंबा चलता है तो उनको जो सूखी सामग्री है खाद्य सामग्री वो पायलट साहब के निर्देश पे डोर टू डोर पहुंचाई जा रही है। अभी तो प्रशासन से भी कोई बात हुई है? बिल्कुल, जिला प्रशासन से इससे हम बिल्कुल निरंतर जुड़े हुए हैं और अभी टोंक नगर परिषद के द्वारा आज वार्ड 35 तक सामग्री बांटी जा चुकी है और आगे के जो वार्ड हैं उनमें निरंतर कार्य जारी है और टोंक नगर परिषद के साथ साथ जो टोंक जिले के भामाशाह हैं जो टोंक शहर में हैं वो भामाशाह और जो संगठन है, काफ़ी संगठन, सामाजिक संगठन, वो सब लोग पायलट साहब की अपील पर टोंक जिले और के साथ साथ टोंक शहर में लोगों को खाद्य सामग्री डोर टू डोर पहुँचाई जाए। सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होने के साथ ही टोंक से विधायक हैं और अपने क्षेत्र की जनता से लगातार निरंतर संपर्क में रहने के साथ ही उन्होंने प्रशासन से आवश्यकताओं पर बात की और 1,40,00,000 रुपए की अपनी स्वीकृति राहत के लिए दे दी है। मेडिकल सेवाओं के लिए एक बड़ा बजट दिया गया है जिससे न सिर्फ टोंक सदर अस्पताल के अंदर कोरोना से जो जंग है उसको लेकर अलग तरह के इक्विपमेंट्स और साथ ही उपकरण मिलेंगे, बल्कि सचिन पायलट ने टोंक शहर की जनता के लिए प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी मेरे क्षेत्र के अंदर भूखा ना रहे, उसके लिए राहत सामग्री जो भेजी जा रही है वो सीधे उसके घरों तक पहुंचे। और अब इसको लेकर एक और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी एक मास्टर प्लान तैयार किया है। हो सकता है 31 मार्च तक हर घर तक सीधे राहत सामग्री उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे, इसको लेकर व्यापारियों से बात कर ली गई है, सुविधाएं जुटाई जा रही है। दिनांक 31 से 31 से टोंक शहर में के साथ साथ में अन्य शहरी निकाय में सभी जगह होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। विस्तार से इसका अभी आदेश भी जारी कर दिया जाएगा, प्रत्यक्ष जो कार्रवाई विवरण है जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक दुग्ध सप्लाई की बात है, टोंक शहर के कुछ कॉलोनीज में, मालपुरा में, देवली में, डेरी ने कल भी और आज भी होम डिलीवरी प्रारंभ कर दी है और आने वाले समय में सब्जी व्यापारियों से भी वार्ता करके फेजेज में होम डिलीवरी की व्यवस्था करवा रहे हैं ठेलों के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि होम डिलीवरी होने से काफ़ी लोगों को सुविधा मिलेगी और लोगों का मूवमेंट भी कम होगा, लोग घर में ही बने रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।